फ्रेंड्स, मॉम्स एंड बेबी लाइफ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपना लेबर स्टोरी जो डिलीवरी की है उसको शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो सब कुछ शेयर करने के पहले आपको, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो प्रेगनेंसी डेट थी वो थी 6 सितंबर। लेकिन हुआ क्या था कि ऐसा भी नहीं है कि मुझे प्री मेच्योर डिलीवरी हुई है, मुझे 9 मंथ कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ 5 डेज रह गए थे, वरना मेरा 9 मंथ भी कंप्लीट हो जाता। और ये सब यहां तक पहुंचने का सबसे बड़ा जो श्रेय रहा है वो एक अच्छी डाइट प्लान लेने का रहा है, वो सब भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आद्विक का जो वेट था वो भी बहुत अच्छा था, और मेरा जो वेट है वो भी, मेरा वेट बिल्कुल गेन नहीं हुआ था। जितना जो वेट गेन हुआ भी था वो सिर्फ आद्विक का हुआ था। मैं जैसे पहले थी वैसे अब भी हूँ, थोड़ा बहुत जो फर्क हुआ है, लेकिन मैंने जैसा सुना है कि प्रेगनेंसी के बाद या पहले बहुत ज्यादा वेट जो है क्या कहते हैं गेन होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ में। तो हुआ क्या था कि 20 जब जो है मेरी डेट थी तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो अभी तो बहुत दिन है, अभी तो लग रहा है कि 6 सितंबर, यानी डॉक्टर जो डेट देते हैं वैसा देते हैं कि आपको 9 मंथ कंप्लीट हो जाए और 10 डेज आगे निकाल करके वो डेट देते हैं, यानी 9 महीना 10 दिन का वो डेट देते हैं आपको, जो आपकी प्रेगनेंसी डेट देते हैं डॉक्टर वगैरह। तो हुआ क्या था कि मेरे माइंड में हमेशा जब जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में मेरी जो है जब मेरा 4 या 5 मंथ चल रहा था, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि जब मुझे अचानक से पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तब तक तो नहीं, उसके बाद जो है मुझे अचानक से वोमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई है फ्रेंड। मतलब ऐसा आप समझ लो कि 100 में 1 या 2 लोगों को लगता होगा, होता होगा ऐसा, जैसा मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था। मुझे वोमिटिंग की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, मतलब एक दिन में 5 से 6 बार वोमिटिंग होती थी। इनफैक्ट अगर मैं पानी भी लेती थी तो अगर 1 गिलास मैंने पानी पिया है तो मैं 5 गिलास पानी मेरे बाहर आता था, और कुछ भी नहीं फ्रेंड। कहते हैं कि जूस वगैरह लेना, मुझे सिर्फ क्या पसता था वो भी सिर्फ नारियल पानी और मुझे सिर्फ ऑरेंज जूस। ये मुझे बहुत ज्यादा मैंने देखा था कि यही एक चीज था जो मेरे बाहर नहीं निकलता था, वरना वोमिटिंग के थ्रू मेरी सारी चीजें बाहर निकल आती थी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता था, मुझे क्या हुआ था, मुझे पानी की कमी हो गई थी फ्रेंड्स। मेरा जो वाटर लेवल है वो 11 तक अच्छा माना जाता है, 10-11 के आसपास अच्छा माना जाता है, और मेरा 7.5 पहुंच गया था जो कि 8 के नीचे अच्छी बात नहीं होती है। तो उसके बाद आपको कुछ डिप वगैरह चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर ने बोला था कि मैं आपको थोड़ी मेडिसिन वगैरह देती हूँ, अगर उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं ठीक होता है तो फिर मुझे आपको जो है डिप चढ़ाना पड़ेगा मजबूरन, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो उसके बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स कि मुझे लगा कि अब शायद डिप चढ़ेगा, बट मैंने क्या किया, नारियल पानी पीना स्टार्ट किया जो मेरे लिए बहुत अच्छा। फ्रेंड्स, मैं 1 मंथ से ही और 9 मंथ तक, जब तक मेरा बेबी हो नहीं गया तब तक मैं रोज एक नारियल पानी लेती थी, और जब मुझे पानी की कमी हो गई थी तो मैं कभी कभी वीकेंड में 2 भी ले लिया करती थी, ऐसा नहीं था सिर्फ 1 ही लिया करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो पानी की कमी है फ्रेंड्स वो बहुत अच्छा, लकली इतना अच्छा मेरे लिए रहा है कि मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात रही कि मेरी जो पानी की कमी है वो पूरा हो गया। और क्योंकि एक रीजन और भी, इस बीच मैं अकेले रहती थी अपने हस्बैंड के साथ में, तो मैंने अपनी माँ को बुलाया, जिससे क्या होता था वो टाइम पे पानी देना, वैसे हम अकेले रहते तो आपको तो पता ही है फ्रेंड्स कि हम जो है जितना सोचते हैं, यानी अगर हम करने की सोचते भी हैं तो भी अपने लिए नहीं हो पाता है, और सबके लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए जहां बात अपनी आती है वैसे हम औरतें पीछे रह जाते हैं इस चीजों में। तो मैंने क्या किया, अपनी माँ को, जब मेरी माँ आ गई मेरी परेशानी देखते हुए कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो जब वो आई तो उनके आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि जो पानी की प्रॉब्लम थी वो पूरी हो गई। क्योंकि फ्रेंड्स आपको एक चीज बता दें, अगर आपकी पानी की कमी पूरा नहीं होती है तो आपको प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस 101% होते हैं, क्योंकि जब पानी नहीं होता है तो बच्चा पूरी तरीके से, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। और फ्रेंड्स जब पानी का लेवल ज्यादा होता है तो फिर क्या होता है कि बच्चे को उसमें सफोकेशन होने लगती है, तो दोनों ही चीजें अच्छी नहीं होती है। वाटर लेवल एक जो है पर्टिकुलर एक डिसाइडेड है कि यहां तक होना चाहिए, ये एरिया यहां तक ऐसा होना चाहिए, ऐसा है।
तो उसके बाद क्या हुआ कि वाटर का जो लेवल होता है फ्रेंड्स अच्छा माना जाता है। अगर आपका 9, 10, 11 है, 9 भी ठीक है, अच्छा है, नहीं कम नहीं है ना ज्यादा है, 11 तक अच्छा माना जाता है, उसके ऊपर भी ज्यादा माना जाता है। तो उसके बाद वाटर लेवल कम हो गया था। फिर जैसे ही फिर मैंने फिर से अपना जो है अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें फिर ये आया कि जो मेरा वाटर लेवल वाली प्रॉब्लम थी वो एकदम बराबर हो गई है और ये अच्छा माना जाता है। थैंक गॉड कि मुझे डिप चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं रोज सोचती थी कि आज भी निकल गया, आज का दिन भी निकल गया। जब मेरा 8.5 यानी 9वां महीना का जो 15 दिन हो गया, तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा तो मैं हम लोग डेट दे देते हैं, लेकिन बच्चा किसी को 9 मंथ लगते ही कभी भी हो जाता है, इसका कोई मतलब पता नहीं होता हमें किस दिन हो जाए। तो रोज जो है मेरे साथ क्या होता था फ्रेंड्स, और लोगों के साथ मुझे नहीं पता, हो सकता है आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो या हो सकता है आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स कहते हैं कि कुछ पीरियड्स वगैरह होते हैं तो सिम्टम्स वगैरह में तो हमें पता चलता है, पर मुझे ना पीरियड्स हुए थे, ना मुझे वाटर लीकेज हो रहा था, ना मुझे पेन हो रहा था किसी तरीके का। और पेन हो भी रहा था तो कैसे होता था फ्रेंड्स कि थोड़ा बहुत ऐसे होता था मैक्सिमम 5 मिनट तक, उसके बाद फिर गायब हो जाता था। तो ऐसा लगता था कि शायद अब चलना पड़ सकता है। तो मैंने किया था 8 महीने के बाद मैंने अपना पूरा बैग जो डिलीवरी बैग होता है पूरा उसको मैंने रेडी कर लिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि मैंने देखा कि मेरा जो है 9 मंथ पूरी कंप्लीट होने पे आ गया, लेकिन अभी तक मुझे ना पेन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बिल्कुल बता दूं, ये आपके लिए बहुत अच्छा, प्लीज रिस्क मत लीजिएगा। मैंने रिस्क लेने की सोची, पर थैंक गॉड कि मेरे हस्बैंड ने और मेरी माँ थी जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। मैं आपको बताती हूँ अपने स्टोरी में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम लोग को 1 वीकली चेकअप के लिए जरूर जाना फ्रेंड्स, अगर आप वीकली चेकअप के लिए 9 मंथ लगते ही जाएंगे तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाएगा, डॉक्टर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उनको, वो बता देंगे कि अभी आपको बेबी हो सकता है या अभी कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको भी करना पड़ सकता है अभी या जो भी है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो है उस दिन जब मैं चेकअप के लिए गई, उस दिन था 23 जन्माष्टमी का दिन था फ्रेंड, तो 23 उस दिन मेरी डेट थी चेकअप की। तो मैं जब वीकली चेकअप के लिए गई तो वहां डॉक्टर ने चेकअप करते ही बोला आपको आज ही एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मतलब होता है ना एक बार कि आपको आपने कुछ माइंड सेटअप नहीं किया है और आपको ऐसा बोल दिया जाए कि जो है आज आपको एडमिट होना है तो आपको कैसा फील होगा। उसके बाद मुझे लगा, मुझे थोड़ा बहुत अजीब सा लगा। तो फिर मैं क्या कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि नहीं आज नहीं, आज ही होना है तो कल हो जाते हैं, क्योंकि आज तो मतलब मेरा माइंड जो है अजीब सा हो रहा है बिल्कुल, और सेटअप भी नहीं है कि जाना है आज कैसे। तो उन्होंने बोला क्या करना है, बैग तो पैक है ही है, बस तुम जाओ एडमिट हो जाओ, सारा सामान मैं यहाँ हॉस्पिटल में ला के रख दूंगा और मम्मी को भी मैं ले आऊंगा। तो मैंने सोचा कि मुझे अजीब सा लगने लगा, मतलब एक डर होता है ना ऐसे अचानक से, अभी मेरे साथ क्या होने लगा क्या नहीं एक तो। लेकिन फ्रेंड जैसे ही मैं घर में आई, घर में आते ही मम्मी को ये बात पता चली, मम्मी ने बोला नहीं आज जो है बढ़िया है, सारा अच्छा दिन है सारी चीज, और डॉक्टर ने भी मेरे को बोला था हो सकता है आज शाम तक आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, आपको आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अच्छा होगा कि आज ही आप एडमिट हो जाओ क्योंकि बेबी बिल्कुल नीचे आ चुका है, आपको कभी भी किसी टाइम हो सकता है अभी आप घर जा रहे हो आपको रास्ते में ही पेन होने लगे। तो मैं जब घर आ गई तो सबने मुझे बहुत, मेरे हस्बैंड ने और माँ ने बहुत समझाया कि आप चले जाओ हॉस्पिटल, ज्यादा बेटर है आज ही चले जाओ क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए, बेबी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और नीचे आ चुका है, तो ये रिस्क की वाली बात हो सकती है, हो सकता है रात में पेन हो और फिर जाने में प्रॉब्लम हो कुछ। तो हुआ क्या कि मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई और 10 बजे के आसपास जो है मैं पहुंच गई। उसके बाद तुरंत मेरे साथ में, उसके बाद चूंकि मुझे पेन नहीं हुआ था तो मुझे आर्टिफिशियल पेन देना पड़ा। आर्टिफिशियल पेन देने के बाद जो है जैसे ही मुझे डिप वगैरह चढ़ाई गई, इंजेक्शन दिए गए, और डॉक्टर बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी हो रही है तो अगर आपके जो गायनी है वो अगर आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, आपके साथ एज ए फ्रेंड के जैसे नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कहीं ना कहीं आपको जो है मोटिवेशन नहीं मिलेगा जिसके कारण आपको दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स एक चीज मेरा हमेशा याद रखिएगा, डॉक्टर ऐसी ही चुनिए जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो और साथ ही साथ आपके साथ में एज ए फ्रेंड जैसा ट्रीट करती हूँ, तो ही आप ऐसे डॉक्टर को चुनिएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा रूडली बात करना और डॉक्टर का ऐसे बात करना, बिहेवियर अच्छा ना हो, तो फिर आप उनके साथ नॉर्मल डिलीवरी कभी करवा नहीं सकते हैं।
उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो है मैं जब गई तो डॉक्टर तुरंत तुरंत पेन किलर देना स्टार्ट कर दी, ऐसा वैसा। फिर थोड़ी देर तक तो मुझे पता नहीं चला और विद इन आधे घंटे या 1 आवर्स हुए होंगे उसके बाद जो है, और मैं कुछ खा के भी नहीं गई थी क्योंकि फ्रेंड जब इंटरनल चेकअप होता था मेरा तो वो इतना पेनफुल होता था, वीकली जो इंटरनल चेकअप होता है तो इतना पेनफुल होता था कि मैं उस दिन मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, उसके बाद आऊंगी फिर खाना खा के फिर आराम से जो है आराम करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे उसी दिन एडमिट होना पड़ेगा। तो पेट में कुछ था नहीं, खाया कुछ था नहीं मैंने, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि हॉस्पिटल जो है पहुंच गई, वहां पे जब डॉक्टर ने सब कुछ चढ़ा उड़ा दिया तो उसके बाद मुझे पेन स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे जो पेन था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया काफी टाइम। लेकिन फ्रेंड्स मैं इस चीज में बहुत लकी रही हूँ, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को पूरी रात पेन होता है, सुबह मॉर्निंग में बेबी होता है, पर जो है मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 बजे के आसपास मुझे पेन किलर दिया गया और 4 बजे के आसपास मैं लेबर रूम में चली गई। और वहां जाते ही फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार की पहले पेन जब बढ़ता जाता है तो ऐसा लगता है जैसे नीचे कोई चीज आ रही हो, बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है नीचे साइड बिल्कुल। तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल टाइम आ गया, अब आपको जाना चाहिए लेबर रूम में। तो तुरंत मुझे सब लोग लेबर रूम में लेके गए और उसके बाद जो है डॉक्टर ने बोला कि अब मैं आपको बहुत बड़ी बात बताती हूँ, मेरे साथ दिक्कत क्या आई है और इसमें मेरी गलती है फ्रेंड्स, इसमें डॉक्टर